तो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि कोड़ा ने बोमार को अपने हमले से खत्म कर दिया होता है। बीरस ये देख के काफी हैरान होता है और कहता है, क्या ये, लेकिन ये भला इसने कैसे किया? इस पे आगामी भी कहता है, तुम इसके लिए पछताओगे। ये सुनने के बाद कोड़ा कहता है, तो इन सब के पीछे तुम हो। इस पे आगामी कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो बेवकूफ। इस पे कोड़ा कहता है, तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूं, क्योगा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ना ही कोई गॉड और ना ही कोई डीमन। इस पे बीरस कहता है, हे विष, कहीं इसका इशारा हमारी तरफ तो नहीं? इस पे विष कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हो सकता है, क्योंकि हम गॉड्स ने इलाइट सैयन का वजूद मिटा दिया था। इसके बाद आगामी कहता है, तुम तो कोई आम सैयन नहीं हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सैयन से इतने ज्यादा भी ताकतवर नहीं हो सकते। तुमने बोमार को एक ही बार में खत्म कर दिया, लेकिन कैसे? इस पे कोड़ा कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। इस पे आगामी कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम मुझे मार पाओगे? जैसे ही ये बात को आगामी कहता है, हम देखते हैं कि कोड़ा आगामी की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं आगामी अचानक से कोड़ा के सामने से गायब हो जाता है और कोड़ा कुछ भी समझ नहीं पाता। लेकिन तभी अचानक से आगामी कोड़ा के सामने आता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन कोड़ा आगामी के हमले को ब्लॉक कर लेता है। इस पे आगामी कहता है, क्या ये भला तुमने कैसे किया? इस पे कोड़ा कहता है, लगता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। ये कहने के बाद कोड़ा भी उस पे अपना हमला करता है, लेकिन आगामी उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं बेवकूफ कि एक सैयन मेरा मुकाबला करेगा। सच में यह कितना बेवकूफी भरा है। ये कहने के बाद आगामी अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाता है और कोड़ा पे एक जोरदार पंच करता है। कोड़ा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आगामी के पंच से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे विष कहता है, चलो कोड़ा, आज तुम्हारी भी ताकत दिख जाएगी, तुम इसे हरा पाते हो या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जोमान को दिखाया जाता है, जो कि तीसरे गेट के पास होता है और कहता है, कोड़ा को यह पता लग गया कि क्योगा मुसीबत में है। कोड़ा क्योगा की एनर्जी को महसूस कर सकता है, लेकिन उसे अब काफी देर हो चुकी है। क्या वो भी कोई मुसीबत में तो नहीं? लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ताकत उसके आसपास भी नहीं है। पता नहीं वहां पर क्या चल रहा होगा। उधर हम वेजिटा को देखते हैं, जिसने कि रास को मार दिया होता है और वो कहता है, चलो एक तो मारा गया, अब बाकियों की बारी है। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से निकल जाता है और सीधा ओमनी पैलेस पे चला जाता है। और जैसे ही वो ओमनी पैलेस पे पहुंचता है, वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता। इस पे वेजिटा कहता है, क्या बात है, आखिर यहां पर कोई भी नहीं है? लगता है सभी के सभी एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स में चले गए, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, उन्हें तो यहीं पर होना चाहिए था। आखिर वो कहां गए? शायद मेरा यहां रुकने का कोई भी मतलब नहीं बनता, मुझे यहां से जाना चाहिए। ये कहने के बाद वेजिटा भी वहां से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम कोड़ा को देखते हैं, जो कि आगामी के साथ फाइट कर रहा होता है। आगामी कोड़ा के हमले को बार बार डॉच कर रहा होता है और वो कोड़ा को समझने की कोशिश करता है,
और मनी मन कहता है, ये सयन भला ऐसा कैसे कर सकता है। मैं जानता हूँ बोमार को हराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उसने उसे एक ही बार में कैसे खत्म कर दिया। इसमें कुछ तो खास बात है, लेकिन ये भला इसने किया कैसे। कोड़ा लगातार उस पे अपना हमला करता रहता है, लेकिन अगामी उसके हर हमले को डॉच करता रहता है। तभी क्योगा उठ जाता है और कहता है, कोड़ा तुम भला यहां पर क्यों आए हो? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं ये अकेला कर सकता हूं, यहां से चले जाओ। इस पे बीरस कहता है, ये तुम भला क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? तुम उससे लड़ने के लायक नहीं हो। तुम्हारा भाई अगर उसे हरा सकता है तो तुम भला ये क्यों कह रहे हो? इस पे क्योगा कहता है, मुझे ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? और मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं ये कर सकता हूं। ये कहने के बाद क्योगा अपनी पावर को अप करता है और अगामी पे अपना हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि अगामी उसके हमले को डॉच करता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन तभी कोड़ा बीच में आकर उसके पंच को रोक लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे अगामी मनी मन कहता है, ओह तो तुम दोनों मेरे साथ खेलना चाहते हो? इस पे कोड़ा कहता है, क्योगा तुम इस लड़ाई से दूर रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। इस पे क्योगा कहता है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से, मैं इससे लड़ सकता हूं। इस पे बीरस कहता है, ये सच में पागल हो गया है। इसके बाद आगामी उन दोनों से कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा, देखते जाओ। लेकिन उससे पहले तुमने जो किया है मैं उसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा, और काफी दर्दनाक तरीके से। इसके बाद अगामी काफी गुस्सा हो जाता है और कोड़ा और क्योगा पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि कोड़ा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोड़ा उसे रोक नहीं पाता और वो दोनों एक साथ काफी दूर जाके गिरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगामी उन दोनों से कहता है, साइंस कितने बेवकूफ हो तुम सब, तुम सबको क्या लगता है तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता, तुम सबकी कोशिश बिल्कुल बेकार है। ये कहने के बाद आगामी फिर से उन दोनों पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा फिर से बीच में आता है और उसके हमले को रोक लेता है। इस पे आगामी कहता है, माना कि तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे लड़ रहे हो। ये कहने के बाद आगामी तुरंत कोड़ा के सामने आ जाता है और उसे बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसे कि कोड़ा रोक नहीं पाता और चोट खाकर जमीन पर गिर जाता है। इस पे बीरस कहता है, ये क्या हो रहा है? ये फिर से पहले की तरह हो रहा है। मुझे लगा कोड़ा शायद उसका कुछ मुकाबला कर पाएगा, लेकिन ये मामला तो फिर से उल्टा पड़ रहा है। क्या इसे रोकने वाला कोई भी नहीं? इस पे विष कहता है, कोड़ा भी अपनी ताकत को रोक रहा है, वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस पे बीरस कहता है, क्या ये तुम भला क्या बोल रही हो विष? ये दोनों आखिर क्या बेवकूफी कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दोनों सच में पागल हो? तुम दोनों मारे जाओगे बेवकूफों। अगर तुम उससे लड़ सकते हो तो लड़ो, वरना तुम्हारे साथ साथ हम सब मारे जाएंगे। इस पे आगामी कहता है, क्या तुम सच में पागल हो? तुम्हें लगता है कि ये दोनों मेरा मुकाबला करने के लायक हैं? वाकई में? इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जोमान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जगह पे होता है, और तभी उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहता है, कौन है, सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि
एक अनजान सा शख्स सामने आता है। ज़ोमान उसे देख के थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, क्या कौन हो तुम? तभी वो शख्स कहता है, तो तुम्हें यहां पर रखा गया है इस गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस पे ज़ोमान कहता है, बिल्कुल, और तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो। इस पे वो शख्स कहता है, तुम में इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक पाओ। इस पे ज़ोमान कहता है, कोड़ा को काफी देरी हो गई है, लगता है मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। ये कहने के बाद वो शख्स ज़ोमान से कहता है, क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे संभाल लोगे? लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है। इस पे ज़ोमान कहता है, क्या इसे भला इस बारे में कैसे पता चला कि मैं ये सोच रहा हूं? इस पे ज़ोमान कहता है, क्या आखिर तुम हो कौन? इस पे वो शख्स कहता है, मैं हूं रकुमा, और मुझे यहां पर लॉर्ड समारा ने भेजा है। वो थोड़े अपने काम में बिजी हैं, तो उनकी काम को और भी हल्का करने के लिए मैं यहां पर आ गया। इस पे ज़ोमान कहता है, अच्छा, तो यानी कि ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं। इस पे वो शख्स कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं हूं। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं, ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि वो यहां पर नहीं है, वरना तुम सब कब के मारे जाते। इस पे ज़ोमान कहता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। इस पे रकुमा कहता है, ठीक है, दिखाओ मुझे रोक कर। ये कहने के बाद रकुमा उस पे अपना एक हमला करता है। ज़ोमान अपनी पावर को अप करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रकुमा के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे रकुमा कहता है, क्या हुआ, तुम तो इतनी जल्दी ढेर हो गए, इतने कमजोर? तुम्हें सच में लगा था कि तुम एंट्रेंस गेट की रक्षा कर लोगे? बेवकूफ कहीं के, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब मरो। जैसे ही ये बात वो कहता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे से कोई कहता है, उसे मारने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें इस गेट को पार करना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा, समझे? और हम देखते हैं कि वो आवाज और कोई नहीं बल्कि गोहान की होती है। उधर दूसरी तरफ हम अगामी को देखते हैं, जो कि बीरस के पास जाता है और उससे कहता है, तुम ये उम्मीद भी कैसे लगा सकते हो कि ये दोनों मुझसे जीत सकते हैं? लेकिन जैसे ही ये बात आगामी कहता है, हम देखते हैं कि क्योगा बीच में आ जाता है और उस पे एक खतरनाक की ब्लास्ट करता है, लेकिन आगामी पे उसका कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद आगामी काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के बाद आगामी क्योगा पे काफी जोर से पंच करता है, जिससे कि क्योगा रोक नहीं पाता और बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसके बाद आगामी उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है और उस पे एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोड़ा फिर से बीच में आ जाता है और उसके हमले को वो रोक लेता है और कहता है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। इस पे आगामी कहता है, आखिर ये था क्या, इसने मेरे इस हमले को कैसे रोक लिया? क्या ये वाकई में एक सयनी है? ये बाकी सयन से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन मुझे फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सब मरोगे। इस पे कोड़ा कहता है, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बार कहता हूं, अगर एक बार और तुमने मेरे भाई पे हमला किया तो मैं तुम्हारा वजूद मिटा दूंगा। इस पे आगामी कहता है, क्या इसकी ताकत आखिर ये है क्या?
तो गाइस अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।